नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 11 मई दिन गुरुवार। आगे राजनीति से जुड़ी दिन भर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बीजेपी में शामिल हुए आरसीपी सिंह, यहाँ से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बीजेपी ने जारी किए पोस्टर। इस पार्टी की तरफ एग्जिट पोल ने कर्नाटक चुनाव में जीत का किया इशारा। चिराग के जेड सिक्योरिटी पर पशुपति पारस ने कही ये बात। मुंबई में देश की मांग, नीतीश कुमार के लगे पोस्टर। अब चलिए बढ़ते हैं प्रदेश और देश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष ने किया पलटवार। पीएम मोदी पर ट्विटर के जरिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जमकर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के मुताबिक रेलवे लाइन, बिजली लाइन और मेडिकल कॉलेज पहले ही क्यों नहीं खोल दिए गए। शायद वह भूल गए हैं कि जैसा सवड़ा हुआ देश उन्हें मिला, वो आजादी के 67 साल के विकास के बाद ही मिला है। ये देश एक दिन में नहीं बना है। उनके इस बयान को लेकर अब राजस्थान में मौजूद बीजेपी अध्यक्ष ने पलटवार किया है। दरअसल यह पलटवार हमें राजस्थान के बीजेपी ट्विटर हैंडल पर देखने को मिला। ट्विटर पर जारी किए गए 2 मिनट के वीडियो में उन्होंने कहा है कि जो काम कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के दौरान नहीं किया, वह पीएम मोदी ने महज 9 साल में कर दिखाया है। वहीं गहलोत को लेकर उन्होंने कहा है कि वे अटकाने, लटकाने और भटकाने की बात न करें। बीजेपी में शामिल हुए आरसीपी सिंह, यहां से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। पिछले कई दिनों से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। ऐसा कहा जा रहा था कि वे अपने राजनीतिक सफर को बीजेपी के साथ आगे ले जाने वाले हैं, लेकिन अब यह सच भी साबित हो गया है। दरअसल यह खबर सामने आई है कि आरसीपी सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बता दें कि बीजेपी पार्टी में शामिल होने की सदस्यता उन्हें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा दिलवाई गई। बीजेपी में आरसीपी सिंह अपने कई समर्थकों के साथ शामिल हुए हैं। उनके बीजेपी में शामिल होने के साथ ही अब राजनीतिक गलियारों में यह अटकलें भी लगाई जा रही है कि नालंदा सीट से उन्हें बीजेपी लोकसभा चुनाव लड़वा सकती है। मालूम हो कि यह क्षेत्र नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है। इस पार्टी की तरफ एग्जिट पोल ने कर्नाटक चुनाव में जीत का किया इशारा। कर्नाटक में बीते ही दिनों चुनाव का दिन रहा। अब लोगों के बीच यह चर्चा बनी हुई है कि आखिर यह चुनाव की जीत किसके नाम होगी। यह जानने के लिए अभी हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे हमें 13 मई को ही मालूम चलेंगे। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के जरिए चुनाव में जीत का इशारा किसकी तरफ हो रहा है, इसका अंदाजा हम जरूर लगा सकते हैं। अब कर्नाटक में भी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि इस बार चुनाव कांग्रेस के पक्ष में ही हुए हैं। लेकिन इस दावे को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने खारिज करते हुए कहा है कि इस बार भी पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी वापसी कर रही है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के तरफ से यह बात सामने आई है कि उनकी पार्टी 146 से ज्यादा सीटें लाकर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। हालांकि अब चुनाव किसके पक्ष में है आएगा, इसे जानने के लिए फिलहाल 13 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा। इस वजह से बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से की धन्यवाद की मांग। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को कहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देना चाहिए। दरअसल सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से धन्यवाद की मांग इसलिए की क्योंकि केंद्र सरकार के पतन एवं जल परिवहन मंत्रालय ने मुंबई के प्राइम व्यावसायिक क्षेत्र में 60 साल के लीज पर 1.25 एकड़ भूमि बिहार सरकार को आवंटित किया है। उन्होंने बताया कि जब वे बिहार में उप मुख्यमंत्री का पद पर थे, तब वे इस पद के नाते बिहार फाउंडेशन का काम कर रहे थे। तब मुंबई में फाउंडेशन के लिए जमीन को लेकर केंद्र सरकार से पत्राचार शुरू किया था। उन्होंने आगे कहा कि यह भूमि रेलवे स्टेशन के करीब है और यहां बिहार फाउंडेशन का भवन बनने से राज्य के उन हजारों लोगों को मदद मिलेगी जो कैंसर के इलाज के लिए मुंबई जाते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र सरकार ने बिहार फाउंडेशन के लिए मात्र 1 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से वार्षिक किराए पर यह कीमती जीवन आवंटित की है। संप्रभुता वाले बयान को लेकर कांग्रेस ने दी सफाई। कर्नाटक चुनाव के दौरान संप्रभुता को लेकर यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के कथित बयान काफी चर्चा में थे। इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने चुनावी रैली में कांग्रेस को निशाना बनाया था। सोनिया गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की थी। बीजेपी द्वारा कहा गया था कि कांग्रेस ने चुनावी लाभ के लिए जानबूझकर संप्रभुता जैसे संवेदनशील विषय को लेकर ट्वीट किया है, जिस पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस से जवाब भी मांगा था, जिसे लेकर अब कांग्रेस द्वारा ट्विटर के जरिए सफाई दी गई है। दरअसल कांग्रेस ने कहा है कि सोनिया गांधी के हवाले से पार्टी के ट्विटर हैंडल से कर्नाटक की संप्रभुता को लेकर जो ट्वीट किया गया था, वैसा बयान सोनिया गांधी ने दिया ही नहीं था। पार्टी के आधिकारिक बयान में सोनिया गांधी के हुबली की जनसभा को पूरा भाषण शेयर किया गया है, जिनमें सोनिया गांधी कर्नाटक की प्रगति और बीजेपी पर हमलावर थी।
पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में बीजेपी ने जारी किए पोस्टर। अब बस कुछ दिन ही बचे रह गए हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन में। अभी भी उनके बिहार आगमन को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी की तरफ से खुलकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष लिया जा रहा है और उनका समर्थन में पोस्टर जारी किया जा रहा है। अब इसी बीच बीजेपी द्वारा एक और पोस्टर जारी किए गए हैं। इस पोस्टर में भाजपा नेता लव कुमार सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सोमनाथ चौधरी और नरेंद्र मोदी, अमित शाह के साथ अन्य नेता नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इस पोस्टर में धीरेन्द्र शास्त्री को गदा लिए बजरंगबली के रूप में दिखाते हुए लिखा गया है कि बागेश्वर सरकार का विरोध करने वालों को पगल खाने और पाकिस्तान चले जाने चाहिए। आगे विशेष धर्म की चर्चा करते हुए लिखा गया है कि बाबा और हिंदू धर्म का विरोध करने वाले को बिहार की जनता 2024-25 में क्लीन बोल्ड करेगी। वहीं अन्य पोस्टर में यह भी लिखा गया है कि विपक्षियों में मची खलबली, आ रहे हैं बजरंगबली, समर्थन में खड़ा है नवाब अली। शराब घोटाला मामले में सिसोदिया पर फाइल गायब करने और फोन नष्ट करने के लगे आरोप। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच दिल्ली शराब घोटाला मामले को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस मामले को लेकर दिल्ली और राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुनवाई के दौरान कई तरह की बातें सामने निकल कर आई। अब इसी बीच बीते दिन सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया पर फोन नष्ट करने, आबकारी विभाग से एक फाइल गायब होने के आरोप भी लगे हैं। सीबीआई की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया है कि जिस दिन एलजी ने सीबीआई को दिल्ली आबकारी नीति मामले के केस में भेजा, उस दिन मनीष सिसोदिया ने जानबूझकर सबूत और फोन को नष्ट कर दिया। वहीं सिसोदिया के जमानत याचिका का विरोध करते हुए सीबीआई द्वारा कहा गया कि आपके वरिष्ठ नेता ने गिरफ्तार होने से पहले आबकारी सहित विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी का निर्वहन किया, लेकिन जिस दिन एलजी ने सीबीआई शराब घोटाले की फाइल भेजी, उसी दिन उन्होंने जानबूझकर सबूत और फोन को नष्ट कर दिया। सुशील मोदी ने ललन सिंह का उड़ाया मजाक। अभी हाल में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात के लिए भुवनेश्वर गए थे। अब मुलाकात के बाद नवीन पटनायक द्वारा दो तस्वीरें शेयर की गई, जहां नीतीश कुमार और नवीन पटनायक एक साथ टेबल पर बैठकर लंच करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान नवीन पटनायक के सचिव कार्तिक पांड्यन भी मौजूद है। कार्तिक नवीन पटनायक के काफी करीबी भी माने जाते हैं। अब इस फोटो के आने के बाद बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने ट्वीट कर ललन सिंह का मजाक उड़ाते हुए पूछा है कि ललन बाबू, आप भोजन में दिखाई नहीं दे रहे हैं, गए तो आप साथ में थे। बता दें कि नीतीश कुमार के साथ उड़ीसा दौरे में ललन सिंह और सिंचाई मंत्री संजय झा गए थे, लेकिन मुलाकात के बाद लंच के समय नीतीश कुमार, नवीन पटनायक और उनके सचिव तो मौजूद थे, लेकिन ललन सिंह और संजय झा नजर नहीं आए, जिसे लेकर सुशील मोदी ने मजाकिया अंदाज में ट्वीट किया। भाजपा बोली, सवालों का जवाब नहीं दे पाने के कारण भाग गए केजरीवाल। न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल की बैठक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में की गई। इस दौरान बीजेपी ने मुख्यमंत्री आवास सौंदर्यकरण का मुद्दा और सीमा से अधिक रुपए खर्च करने का मुद्दा उठाया, जिसे लेकर बैठक काफी हंगामेदार देखने को मिली। मिली जानकारी के अनुसार यह बैठक करीब आधे घंटे ही देखने को मिली, जिसे लेकर भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि सवालों का जवाब नहीं दे पाने के कारण केजरीवाल अधिक समय तक बैठक में टिक नहीं पाए और वे भाग गए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी नेता आरोप लगाए और कहा कि पहली बार है जब एनडीएमसी की बैठक में व्यवधान हुआ। हमने मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन पर भारी भरकम खर्च और भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया। आगे उन्होंने कहा कि लोगों ने टैक्स दिया और उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आनंद मोहन ने जी कृष्णैया की पत्नी को लेकर कही ये बात। अररिया के फोबर्सगंज में वीर कुंवर सिंह के प्रतिमा का अनावरण हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आनंद मोहन सिंह और उनकी पत्नी लवली सिंह शामिल हुई। इस दौरान राजद के भी कई नेता मौजूद रहे, जिसमें आपदा मंत्री शाहनवाज आलम भी शामिल थे। इसके अलावा भाजपा सांसद और भाजपा विधायक भी मौजूद थे। आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान आनंद सिंह और लवली आनंद ने आईएस जी कृष्णैया की हत्या कैसे हुई उसकी चर्चा करते हुए उनकी पत्नी से सच्चाई जानने की गुजारिश की। आगे उन्होंने कहा कि अब इतना जलील मुझे मत करो, इतना अपमानित ना करो, झूठे आरोप मत लगाओ, इससे बेहतर है कि सूली पर चढ़ा दो और मुझे गोली से उड़ा दो। आनंद मोहन उफ तक नहीं करेगा, उसे स्वीकार लेगा। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अदालत ईश्वर की अदालत है। फिर उन्होंने कहा कि अब मुझे किसी तरह की लालसा नहीं है, यदि दोषी हूं तो फांसी दे दो। इसी दौरान लवली आनंद ने कहा कि उमा कृष्णैया को लोग मुखौटा बना रहे हैं। भाजपा ने जारी किए कांग्रेस फाइल्स के सीजन 2। भाजपा ने कांग्रेस फाइल्स का सीजन 1 कांग्रेस मतलब करप्शन टाइटल के साथ जारी किया था। इसमें कांग्रेस के शासनकाल में हुए चर्चित घोटालों की कहानी सुनाई गई थी। वहीं अब कर्नाटक चुनाव के दौरान बीजेपी की तरफ से कांग्रेस फाइल्स के सीजन 2 को जारी किया गया। बता दें कि पहले एपिसोड में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बताया गया कि कांग्रेस ने कारगिल बलिदानियों के परिवारों के छत भी छीन ली थी। साथ ही यह भी आरोप लगाए गए हैं कि महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख और सुशील शिंदे जैसे बड़े कांग्रेसियों के नाम भी सामने आए।
चिराग के जेट सिक्योरिटी पर पशुपति पारस ने कही ये बात। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर आलोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस द्वारा बड़ा बयान दिया गया है। इस बयान की चर्चा करने से पहले हम आपको बता दें कि केंद्र के तरफ से जेट सिक्योरिटी चिराग पासवान को दी गई है, जिसे लेकर पशुपति पारस द्वारा कहा गया है कि जेट सिक्योरिटी में ही इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। नेताओं के लिए सिक्योरिटी जंजाल है, सुरक्षा महज एक दिखावा है और इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं जब पशुपति से यह सवाल किया गया कि एनडीए गठबंधन में सबसे नजदीक कौन है, क्योंकि कर्नाटक चुनाव के दौरान चिराग को नजरअंदाज किया गया और आप प्रचार प्रसार करने गए थे, वहीं जेट सुरक्षा केंद्र के वो प्रदान की गई। इस सवाल के जवाब में पारस की तरफ से कहा गया कि पूरा देश जानता है कि वे शुरू से ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और इस बीच में कई लोग पार्टी में आए और चले गए। आगे उन्होंने चिराग को बिना पेंदी का लोटा बताते हुए कहा कि उनका कोई भरोसा नहीं है। में देश की मांग, नीतीश कुमार के लगे पोस्टर। विपक्षी एकता के मिशन पर निकले नीतीश लगातार कई नेताओं से मुलाकात कर बीजेपी के खिलाफ साथ आने का न्योता दे रहे हैं। अब इसी मिशन को लेकर नीतीश मुंबई में ठाकरे और शरद पवार से मुंबई में मिलने वाले हैं। अब इसी कड़ी में नीतीश का स्वागत करते हुए कई पोस्टर लगाए गए। इस पोस्टर में नीतीश की चर्चा करते हुए लिखा गया है कि देश की मांग, नीतीश कुमार। बता दें कि यह पोस्टर मुंबई में मातृश्री के पास लगाया गया है, जहां वे उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे। ऐसे में साफ है कि यह पोस्टर शिवसेना की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर में नीतीश के साथ शिवसेना के कई नेता भी दिखाई दे रहे हैं। पटना हाईकोर्ट की तरफ से तेज प्रताप को मिला तगड़ा झटका। पटना हाईकोर्ट से तेज प्रताप यादव को तगड़ा झटका मिला है। दरअसल उनका यह मामला तेज प्रताप और ऐश्वर्या यादव से तलाक मुकदमा को लेकर जुड़ा हुआ है। बता दें कि पटना के निचले अदालत में ऐश्वर्या से तलाक के लिए तेज प्रताप यादव ने मामला दर्ज करवाया था। निचले अदालत के तरफ से आदेश दिए गए हैं कि तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता दे। उसी वक्त घरेलू हिंसा का मुकदमा ऐश्वर्या ने तेज प्रताप पर करवाए थे। ऐश्वर्या की तरफ से कहा गया था कि उनके साथ घरेलू हिंसा के मामले निचली अदालत द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अब निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या के याचिका की सुनवाई करते हुए पलट दिया है और निचली अदालत को निर्देश दिया है कि वह घरेलू हिंसा मामले में फिर से सुनवाई करे। पाकिस्तान पीएम के सलाहकार ने बीजेपी और आरएसएस पर लगाए आरोप। कभी पाकिस्तान बुरे दौर से गुजर रहा है। हाल में ही पाकिस्तान में आर्थिक मंदी की खबर सामने आ रही थी। वहीं अब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि पाक रेंजर्स उन्हें गिरफ्तारी के बाद गाड़ी तक घसीट कर ले गए। इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं आगजनी तो कहीं तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही हैं। अब इसी बीच पाकिस्तान प्रधानमंत्री के सलाहकार अट्टा तरार का बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सामने आया है। दरअसल उन्होंने पाकिस्तान में माहौल बिगाड़ने वाले लोगों का संबंध बीजेपी और आरएसएस से बताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो घटना हुई उसका जश्न भारत में बीजेपी और आरएसएस ने मनाया और मिठाइयां भी बांटी गईं। फिलहाल आज के राजनीतिक जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, अनवर करीम खान, मोहम्मद सकीर हुसैन, सुरुचि कुमारी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिवसेना द्वारा नीतीश कुमार के लिए मुंबई में लगाए गए पोस्टर पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।